टिफिन में मखाना क्यों नहीं खाया? क्या भूले? बहाना। क्या बहाना? याद है मम्मी, वो ना हमारे स्कूल में ना शंटी आ गया था। अभी शंटी कौन है? हमारे स्कूल का मंकी। वो ना ये का टिफिन चुरा के ले गया, और क्योंकि उस टिफिन में बनाना था, नहीं ऑरेंजेस था। अरे हमने बनाना डिसाइड किया था ना, किसी मंकी को ऑरेंजेस खाते देखा है? देखा है। क्या उसको? शिंटू। You know what, इतने बहाने सुने मैंने, ये बहाना पहली बार सुना है कि बहाना भूल गया। वही तो, देखो ना आप भी। गुस्सा तो नहीं कर पाते हो? वही तो प्रॉब्लम है ना, कुछ कह ही नहीं पाती क्योंकि हंसी आ जाती है। पर अब टेंशन मत लो स्वाति जी, नील और नेहा दोनों आपके मखाने जरूर खाएंगे, बस थोड़ा सा ड्रामा तो बनता है। मैं हेल्प करूं? हाँ हाँ बिल्कुल, मखाने का डब्बा पड़ा होगा उधर, है ना? अब आ ही रहे हो तो फिर दूध भी ले आओ। सबसे पहले तो एज यूजुअल मखाने को करना है टोस्ट। रोस्ट करते समय सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है घी। साथ में ऐसा कर सकते हो आप, जेली बना सकते हो। जेली सब बच्चे खाते हैं। हाँ। तो जी अब करते हैं जेली का काम शुरू। इसमें हम बनाएंगे जेली का मिक्सचर। ओके। ये गया दूध और ये आया कंडेंस्ड मिल्क। ए लो जी हर्षी सिरप। सब हम बनाएंगे तीन तरह की जेली, ठीक है? चॉकलेट जेली, उसके लिए ये गया हर्शीज चॉकलेट फ्लेवर्ड सिरप। फिर हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी जेली, उसके लिए ये गया हर्शीज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड सिरप। थोड़ा बीटरूट जूस, ठीक है? और तीसरी हम बनाएंगे कैरमल जेली। सो कंडेंस्ड मिल्क, उसके अंदर डाल दिया हर्शीज कैरमल फ्लेवर्ड सिरप। नाइस। ओके। अभी उसमें कलर कितना प्यारा है, है ना? हाँ। उसके अंदर थोड़ा सा नमक उसकी स्वीटनेस ब्रेक करने के लिए। हो गया जी, हाँ जी तीन मिक्सचर बन गए। ओके, ओके। अब इसके बाद इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ ये बड़ी खूबसूरत चीज, इसे कहते हैं अगर अगर। अगर अगर को जब भी हैंडल करें तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है दैट यू हैव टू मिक्स इट व्हेन इट्स कोल्ड, ब्रिंग इट टू अ बॉयल एंड इट्स डन, दैट्स इट। ये हमारी ट्रे है जेली की शेप देने के लिए। This goes into the fridge. 15 मिनट में सेट हो जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी डबल क्वांटिटी डाली है अगर की। Oh my God. ये लीजिए। क्या करने वाले हैं इसमें? मसाले कूटने वाले हैं। हाँ। ड्राई फ्रूट्स? बिल्कुल। थोड़ी सी शुगर, बादाम और पिस्ता, ये है हमारा मसाला। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्चा और थोड़ा सा मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हमेशा मेरे पास रहता है। वो क्या है? केसर। थोड़ा सा, जस्ट अ लिटिल बिट, जस्ट अ फ्लेवर। ये आ गई जेली। वाओ, ओह माय गॉड। सो इसको निकालने के लिए वी जस्ट पुट द फोर्क फ्रॉम वन साइड। देयर वी गो। वी हैव